राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है, नेवला सांप की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। सांप का खून घर के दरवाजे से बाहर की ओर आने लगता है। राजू दरवाजा बंद करके सोया है। उसके मम्मी पापा दरवाजे के बाहर खून देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजू को किसी ने मार दिया। वो लोग दरवाजे को पीटते हैं लेकिन गहरी नींद में सोया राजू जग नहीं पाता। नेवला किसी तरह दरवाजे को खोलता है और बाहर आता है। राजू के मम्मी पापा मन में ये सोचते हैं कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह का विचार आते ही वे दोनों नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। नेवला वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। नेवले की कराह और मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजू जग जाता है और अपनी माँ से बोलता है, मम्मी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? राजू की मम्मी उसकी आवाज़ सुनकर अवाक रह जाती है। उसको अपने गोद में उठाकर उसका माथा चूम लेती है। राजू के पापा भी कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सांप मरा पड़ा है और उसका खून दरवाजे के बाहर तक आया है। शालिनी देखो ना, इधर सांप मरा पड़ा है। अरे ये तो बहुत ही विषैला सांप लग रहा है। मम्मी मेरा नेवला कहाँ है? मैं रात को जब सोया तो ये सांप मुझे काटने के लिए आया था। नेवला भैया ने सांप को पकड़ लिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। मैं तो डर की वजह से सो गया लेकिन नेवला भैया ने सांप को मार दिया और मुझे गोद में लेकर सो गए। राजू की बात को सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई हमने उसी की हत्या कर दी। और मरे हुए नेवले को देखकर राजू रोने लगता है। किसने मारा मेरे दोस्त नेवले को, किसने मारा? राजू के मम्मी पापा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अंदर ही अंदर अपने किए पर पछताते रहते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू हमेशा नेवले के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में अक्सर ही दोस्तों से अपने नेवले के बारे में बात किया करता था। अकाल मृत्यु के चलते नेवला और सांप दोनों प्रेत आत्माएं बन जाते हैं। नेवले की आत्मा हमेशा राजू के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक दिन रात को राजू के पास नेवले की आत्मा प्रकट होती है और राजू से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पीट पीट कर मार डाला, इस बात का मुझे बड़ा ही दुख है। मेरी आत्मा भटकती रहती है, सांप भी अकाल मृत्यु के चलते भूत बन गया है। वो तुम पर हमला कर सकता है लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं उससे तुमको बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। राजू नेवले की आत्मा से प्रेम करने लगता है और नेवले की बात सुनकर मम्मी पापा से रूठ जाता है। जब उसे मनाने की कोशिश वो दोनों करते हैं और तरह तरह के खिलौने राजू को लाकर देते हैं। मेरे दोस्त नेवले को तुम दोनों ने पीट पीट कर मार डाला, तुम दोनों गंदे मम्मी पापा हो, अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्तों को भी पीट पीट कर मार डालोगे, तुम हमें अकेले देखना पसंद करते हो, मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं भी तुम लोगों को पसंद नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। नहीं राजू, खून देखकर हमने सोचा कि नेवले ने तुमको मार दिया, इस भूल में हमने गलती कर दी। नहीं राजू,
मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलते। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे अपने बच्चे की तरह रखा था। अनजाने में मैं मारा गया। मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। और अचानक एक दिन सांप का भूत राजू को मारने के लिए आता है। राजू को अपनी पूंछ में लपेट कर हवा में उड़ जाता है। राजू मदद के लिए अपने दोस्त नेवले को याद करता है। सांप जैसे ही राजू को ऊपर ले जाकर पटकना चाहता है, नेवला वहां पहुंच जाता है और राजू को सांप के चंगुल से छुड़ा लेता है। सांप नेवले पर टूट पड़ता है। सांप नेवले को पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाता है जहां वो रहता था। अब तो मेरा जहर और भी तेज हो गया है। देखता हूं मेरे जहर से तुम लोगों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर सांप गायब हो जाता है और बहुत से लोगों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लोगों को परेशान देखकर एक तांत्रिक बाबा आते हैं और कहते हैं, एक सांप भूत बन चुका है, वही लोगों को मार रहा है। बाबा, हमें उस सांप के प्रकोप से बचाइए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। तुम लोग परेशान मत हो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा बीन बजाने लगते हैं। बीन की आवाज सुनते ही सांप की आत्मा मदमस्त होकर तांत्रिक बाबा के पास चली आती है और तांत्रिक बाबा बोतल का ढक्कन खोलकर सदा के लिए उसकी आत्मा को उसी में कैद कर लेते हैं और शहर को सदा के लिए सांप के भय से मुक्त कर देते हैं।